अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आज हम। इफ़ वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 20 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 5, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। अच्छा, ये दो वैल्यूज़ गिवन है, इनकी मदद से के की वैल्यू निकलेगी और उसके बाद हम ये इक्वेशन बना लेंगे। पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड पार्ट पर आएंगे। स्टार्टिंग हियर पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। जी, तो हमें y दिया हुआ है, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में चेंज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे k लगा दिया, k क्या है हमारे पास, k इज़ कांस्टेंट। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 1। और अब हम इस k की वैल्यू के लिए को फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे जो वैल्यूज़ हमें गिवन है। y गिवन है हमें 20, पुट y इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू 5, जो कि ये दो वैल्यूज़ थी हमें क्वेश्चन में गिवन थी इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 पुट कर रहे हैं y की जगह 20, k और 5 की जगह हमने पुट किया 5, x की जगह हमने पुट किया है 5। तो जब k को सेपरेट करेंगे तो ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरे साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 20 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू के, 5 1 5 5 4 20। 5 के टेबल से दोनों को कैंसिल किया, के की क्या वैल्यू आ रही है, के की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पे 4। ठीक है, अब हम इस के को पुट करेंगे, पुट के इन इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1 और हमें क्या मिल जाएगी, हमारी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू 4x। ये थी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए थी पार्ट 1 के लिए। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन A। फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 10, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। हमें y और x के दरमियान एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे जिनके लिए हम करेंगे कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पे 5 वैल्यूज़ आपके लिए ले रही हूँ x और y के लिए। एक वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी क्या, y 20 और x 5, बाकी की हम खुद से अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो हम 1 ले लेते हैं वैल्यू, और अगर आप चाहें तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हूँ। 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम 3 4 और 5, ये लाइन से 5 वैल्यूज़ ले लेते हैं। और आप ये देखें, इस पे हमें y कैलकुलेट कर लेना है। तो हम सबसे पहले फॉर x इज़ इक्वल्स टू 1 इसके लिए काम करेंगे। y हमें नहीं पता, हम यूज़ करेंगे वही सेम इक्वेशन जो हमने पार्ट 1 में बनाई थी, y इज़ इक्वल्स टू 4x, और y की जगह पे हम y ही लिखेंगे, x की जगह पे लिख देंगे 1। तो y क्या आएगा, y आएगा 4 जब x था 1, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 4। ठीक है, तो हम इस टेबल में इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, y 4 आया। ठीक है, इसी तरह से हम इसकी सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली फॉर x इक्वल्स टू 2, y हमें कैलकुलेट करना है। वी आर यूजिंग द सेम इक्वेशन, y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस बार हम x रख देंगे 2, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, फॉर x इज इक्वल्स टू 3, अगेन आपको y कैलकुलेट करना है, सेम इक्वेशन, y इक्वल्स टू 4 इंटू 3, y इज इक्वल्स टू 4 3 12। ठीक है, फिर अगेन नेक्स्ट वैल्यू, फॉर x इज इक्वल्स टू 4, y कैलकुलेट करना है, y इज इक्वल्स टू 4x, और y 4 इंटू 4, y इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, आखिरी वैल्यू हमारी 5 है जो कि हमें गिविन है, फॉर x इज इक्वल्स टू 5, y हमें गिविन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 20। तो ये हम अपना टेबल जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, y 2 था तो x 2 था तो y था 8, 3 था तो 12, 4 था तो 16 और 5 था तो 20। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी मदद से बनाने जा रहे हैं ग्राफ। जी, हम बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ। ये देखिए, हमने y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ की हुई है। ये जहाँ पे दोनों एक्सिस मिल रही होती हैं, ये पॉइंट कहलाता है आपका ओरिजिन। यहाँ पे x और y दोनों ज़ीरो होते हैं आपके पास। ठीक है,
अब आप देखिए ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, प्लस एक्स एक्सिस है, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, ये देखिए आपके पास है माइनस एक्स एक्सिस। फिर बिलो द ओरिजिन है हमारे पास माइनस वाई एक्सिस, एंड अबव द ओरिजिन है हमारे पास प्लस का वाई एक्सिस। ठीक है, ये मैंने आपको चारों एक्सिस बता दिए कहाँ प्लस और कहाँ माइनस आ रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे इन वैल्यूज़ को प्लॉट। उससे पहले हमें चाहिए एक स्केल, तो हमें उससे पहले चाहिए स्केल। स्केल देख लीजिए क्या है, ऑन एक्स एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू वन यूनिट। देखिए ये एक बिग बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर आप हॉरिजॉन्टली काउंट करें एक्स एक्सिस पे तो भी 10 बॉक्सेस आएंगे, आप वर्टिकली काउंट करेंगे तो भी 10 बॉक्सेस आएंगे। ये बड़ा सा आपका बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर आप देखिए छोटे छोटे बॉक्स बने हुए, 10 बॉक्सेस ऐसे बने हुए, 10 बॉक्सेस ऐसे बने हुए। ठीक है, तो हमने ये जो बड़ा वाला बॉक्स है इसको वन यूनिट लिया है ऑन दी एक्स एक्सिस, और ऑन वाई एक्सिस फाइव स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू वन यूनिट। हमने ये जो छोटे छोटे पांच बॉक्सेस आ रहे हैं 1 2 3 4 5 ये लिए हमने वाई एक्सिस पे वन यूनिट के बराबर। ठीक है, अब मैं आपको इसकी बताती हूँ पॉइंट प्लॉट करके कि किस तरह से हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे देख लीजिए ये हमारा जीरो होता है एक्स और वाई दोनों के लिए, यहाँ से मैं पॉइंट प्लॉट कर रही हूँ। लेकिन नेगेटिव में तो कोई वैल्यू थी नहीं, तो वन टू थ्री फोर और ये फाइव और ये सिक्स। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़। फिर आ जाइए हमारे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने लिया है फाइव स्मॉल बॉक्सेस, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17। हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकी है वो 17 तक आ सकी है। और नीचे अगर आप देखें, अगर मैं इसे नेगेटिव में ले जाना चाहूँ तो मैं यहाँ माइनस वन प्लॉट कर सकती हूँ, और अगर मैं इसको इधर ले जाना चाहूँ तो ये यहाँ पे माइनस वन एक्स का भी आ सकता है। ठीक है, इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए जब आपका एक्स वन था टेबल में तो उस पर आपको वैल्यू वाई की क्या गिवन थी, वाई की वैल्यू गिवन थी आपको 4। तो आप इस एक्स को 1 पे देखते हुए ऊपर जाएंगे वहाँ तक जहाँ पे वाई 4 आ जाए। तो ये देखिए ये यहाँ पे देखिए ये आपके पास आ गया वाई 4। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, इसको मैंने पॉइंट डाल के एक छोटा सा सर्कल बना दिया। अब देखिए 2 पे जब एक्स था आपके पास 2, अब इस 2 वाली लाइन पे ज़रा ऊपर जाइए वहाँ तक जहाँ पे आ जाए आपके पास वाई 8। तो ये आ गया आपके पास वाई 8। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया आपका पॉइंट नंबर 2 आपका, इसको भी मैंने एक डॉट डाल के सर्कल कर दिया है। सिमिलरली देखिए जब 3 था हमारे पास एक्स तो वाई क्या था, वाई आ रहा था हमारे पास 12। तो हम इस 3 की लाइन में ऊपर जाएंगे यहाँ तक कि हमारे पास बन जाए 12 आ जाए। तो ये आ गया हमारे पास 12, हमने एक डॉट लगा के छोटा सा सर्कल लगा दिया। और इसी तरह से ये हमारी आखिरी वैल्यू आ जाएगी, देखिए आखिरी वैल्यू क्या है, 4 पे हम ले लेंगे वैल्यू 16। अच्छा, इससे आगे हमारी वैल्यू थी 20 जो कि हमारे ग्राफ में अभी हमें मिल नहीं रही है। तो हम क्या करें, हम सिर्फ अपनी 4 तक की वैल्यूज़ को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ हमारा इससे भी बन जाएगा। अच्छा, अब हम आखिरी काम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद ही हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, अब हम इन पॉइंट्स को ये जो है डॉट टू डॉट ज्वाइन करेंगे और उसको ओरिजिन से पास करते हुए जाएंगे। ठीक है, जब भी आप ये पॉइंट्स को जो है वो कनेक्ट करेंगे ग्राफ के तो हमेशा 12 इंच का स्केल यूज़ किया कीजिए, आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए ये 12 इंच तक होता है, तो हमेशा 12 इंच का स्केल यूज़ कीजिए ताकि आप आसानी से आप एक ही लाइन से यानी बग़ैर ब्रेक किए हुए लाइन को आप इसको कनेक्ट कर सकें। अब आपकी दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ की आपकी जो शेप होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ये हमने बना लिया है पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ। ठीक है।